हमारा मुखिया नगर परिषद चेयरमैन जिसको मैंने सबसे पहले कहा था ईमानदारी की पदवी दी थी, आज ईमानदार का रिजल्ट देख लो क्या है। सबसे बुरा हाल नगर परिषद का बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारा काम तो फिर जड़ा की तरह ताली बजाने का रहेगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये है नहीं सारे के सारे पार्षद और चेयरमैन इजड़े बन गए और कुछ भी घूम रहा। क्यों बन गए ये? मैं सह वार्ड का हमारे घर यो मुखिया यो ऐसा हो रहा तो हम किसके करवागे? जिससे सेना का सेनापति कमजोर होगा तो सेना युद्ध कहां से जीतेगी? यहाँ सिर्फ एजेंट अर्धलाल इस आउटेक्स में जाकर रेड मारने चाहिए। जब ये बसा में जावे नहीं इनको बस में पकड़ना चाहिए वे कितने रुपए भर के ले जा रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शाम के 5 बजे बाद काम होता है सिर्फ एजेंटों के थ्रू। पार्षद चक्कर काटो, पब्लिक चक्कर काटो। कभी कह रहे किसी के हाथ में, कभी कह रहे किसी के हाथ में, वो हाथ में नहीं पता जी किसके हाथ में। की महिलाएं अपना घर छोड़ के ना कागज ले लेके आ रही है, 6 महीने चक्कर काटते आई हैं। सवेरे 9 बजे के आए हैं जी। चेयरमैन साहब ठीक कर रहे हैं काम? चेयरमैन साहब की सुन लो जी, हमने जी दिल खोल के तो वोट दिए जी। चेयरमैन साहब ने यानी हम दिल खोल के वोट दिए, जितने दिलवाए गए उतने दिलवाए जी। और आज शहर का ऐसा बुरा हाल कर रखा है जी, आप सारा शहर किल के मारे। आप पूरे 27 वार्डो में आज की तारीख में 27 आदमी ऐसे चुन के ये दिखा दो जो नगर परिषद के कार्य से संतुष्ट हो। मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी है, ये पार्षद हैं। वार्ड नंबर बता दो आपका। वार्ड नंबर 13 से सर। वार्ड नंबर 13 के पार्षद है। इस आदमी ऐसे गिनती के दिखा दो जो हाउस ब्रांच से कम संतुष्ट हो। मैं आज की तारीख में अपना इस्तीफा दे दूंगा। सफाई व्यवस्था से जाके देख लो, जीन चौक से ये कह रहे हैं भाई 27 वार्ड में 27 आदमी ऐसे बता दो या ऐसे कह दो जो नगर परिषद के काम से खुश है, नए चेयरमैन से खुश है, ये इस्तीफा दे देंगे। 27 आदमी आ जाओ, इनका इस्तीफा ले जाओ अगर कोई है तो। इतना बुरा हाल मीटिंग रखो, मीटिंग रखने दो। मीटिंग में मैं बताऊंगा पूरे शहर की जनता को क्या आईना है इस मीटिंग के अंदर, देख लेना। ये मेरा चैलेंज है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। बापू के बंदरागीन की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, एकमत पोस्ट में इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हांसी नगर परिषद है, हाल बुरा है। हाल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लोग भी सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं, पार्षद भी यहाँ पर हैं। हाँ जी बताओ किस तरह इकट्ठे हो रहे हो, इधर आओ जरा, कैसे आ रहे हो? हाँ जी हमारी असेसमेंट किसी और के नाम चढ़ी हुई है जी, हमारे मकानों के रजिस्ट्री और किसी के नाम चढ़ी हुई है जी। मेरा मकान जो मेनका के नाम से है वो पूनम देवी के नाम से चढ़ा हुआ है जी। असेसमेंट मैंने निकला हुआ है मेनका के नाम से जी। और मैं कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? मैं 2 महीने हो गए चक्कर काट कर रहे, तो क्यों हो गया जी? बिल्कुल जी यहाँ पे। और मेरे तो चप्पल घस गई है जी। चेयरमैन से मिले हो? ये चेयरमैन साहब रहे प्रवीण इलावत। हूँ, उन्होंने कई एक दो बार उनको कोशिश किया लेकिन फिर वो भी नहीं मिलते जी। कौन नहीं मिलते? प्रवीण जी। अच्छा आप कैसे आए? मैं भी इसे काम खतर आ रहा हूँ, उन्होंने तेरा रखा डेढ़ महीना हो गया, तेरा करवा दिया, आज एफिडेविट लिया, आज फलानी चीज लिया, करवा दिया। आप भी आ जाओ सर आगे, आप तो बुरा ले रहे हो, जापा ले रहे हो के। ऐसा है कि मेरी एक दुकान है जिंद रोड के ऊपर जो कि 11 गज की है, 734/13 जो उसका नंबर है। और ये मैं तो चलो देखी जाएगी, मैंने बताओ कई दिन से चक्कर काटते हो गए? ऐसा है मुझे 2 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, असेसमेंट भी ले रहा हूँ मैं इसकी फीस भी भर रखी है और सारा कंप्लीट करने के बाद भी जो है इन्होंने 11 गज की बजाय 14 गज। चेयरमैन से मिले हो? दफ्तर है चेयरमैन? चेयरमैन सर से मैं 2 बार मिल चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए कि सर मुझे इसमें कोई मिस्टेक बता दो भाई, इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी 14 गज की कर दी। वो कहने लगे कि ठीक है कोई नहीं अगले महीने में आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आज तक तो ठीक हो ही नहीं है। पीछे मैं सारी चढ़वा भी गया था फिर रिजेक्ट कर दिया है। तो चेयरमैन सर से मैं दोबारा फिर मिला तो बोला 20 दिन आप रुक जाओ, 20 दिन के बाद आपका सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं तो कई बार आ लिया, कम से कम 3 महीने हो गए मुझे इसी काम के लगे और ये सारे कागज ले रहा जी। चक्कर तो और कटेंगे आपके, जिस हिसाब से इनका बता रहे हैं ये भी बता रहे हैं तो कई महीने हो गए चक्कर काटते हैं। सारी रखी हाउस टैक्स रेगुलर बता रहा हूँ। महिलाएं भी खड़ी हैं, आप कैसे आ रहे हो बहन जी? सर जी ऐसे आ रही हूँ मैं, हमारी 88 गज की जगह है तो उन्होंने अपने आप गलती से 72 गज कर रखी है तो मेरे को 1 साल हो गई गुमराह। मतलब जगह घटा दी आपकी? हाँ जगह घटा दी जी। तो मैं बार बार कहीं कहीं जाती हूँ तो वो कहते हैं भूप सिर करेंगे, वो करेंगे बीएम सिर करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। तो मैं कभी 20 साल के साथ जाती हूँ, कभी कांता मैडम के पास, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा जी, यानी कि गोली खाने। आप सारे के सारे उरे खड़े हो प्रवीण इलाहाबादी चेयरमैन लिख रखे, क्या चेयरमैन साहब से मिले हो? मिल लिए जी, कैबर तो पवन सर से बात हो ली, कोई तो कोई एसमेंट नहीं निकालता, कोई कैसे निकालता जी, एक एक चीज के लिए बार बार कहीं कहीं धक्के खाओ। कभी तो कह रहे खतरा नंबर है, खतरा नंबर लिया तो 3,000 लगा के और वो उसने सुंदर सिंह ने निकाला तो मारे को एक एक चीज के लिए पैसा। सुंदर सिंह कौन हो गया? वो ये पटवारी है जी। नहीं, वो तो यहाँ बैठता है वो भी। नहीं, वो पटवार खाने में। अच्छा। तो वहाँ गए, वहाँ उसने खतरा नंबर 3,000 में बोला तो हम कैसे धक्के खाए पब्लिक को सर। पैसे नहीं है तो आप भी किसी काम से आ रहे हो? भी असेसमेंट के बारे में आए हुए हैं जी, 1 साल होगी मेरे को आंटते हुए, मैंने सी विंडो भी लगा दी थी इनकी, जब भी निकाल के दे रहे हैं जी ये, जब भी कभी कह रहे किसी के हाथ में, कभी कह रहे किसी के हाथ में, वो हाथ में नहीं पता जी किसके हाथ में है। हमारे को तो ये निकाल के नहीं दे रहे कुछ भी।
महिलाएं बड़ी वीरान हो रही है यहाँ पे, आपका भी क्या? हाँ, 6 महीने हो गया जिन्होंने दिखा रहे हैं सारा कुछ कागज, महिलाएं अपना घर छोड़ के ना एक कागज ले लेके आ रही है, 6 महीने चक्कर काटते हैं। सुबह 9 बजे के आए हैं जी, 9:30 बजे ये आते हैं, वगैरह 10 बजे फिर बाहर खड़े हो जाइए, खड़े मैं सुबह की बाहर खड़ी कर रखी हूँ जी। चेयरमैन साहब से मिलेंगे, प्रवीण इलावादी चेयरमैन का कमरा है, एक बार खाली है, पार्षद बैठे हैं, चेयरमैन साहब नहीं है क्या? चेयरमैन नहीं है, ना अधिकारी है ना चेयरमैन है, कमेटी का बुरा हाल है, वाइस चेयरमैन जरूर है यहाँ पे। बंसल जी एक बार आपसे बात कर लेंगे, चेयरमैन साहब तो है नहीं, ये लोग चेयरमैन के कमरे के आगे, नेम प्लेट दिखा दो एक बार चेयरमैन की, ये प्रवीण इलावादी चेयरमैन है, ना चेयरमैन मिल रहे ना अधिकारी मिल रहे। तो मेरे को कह रहे थे कि तो बड़ा शौक से बनाया था प्रधान, पता नहीं क्या कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, काया पलट कर देंगे, लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये लोग तो खूब खड़े हैं, इनका हाल कैसे ठीक हो? पहली बात तो प्रवीण इलावादी को अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटने के बजाय लोगों को काम करना चाहिए। अब ये लोग है, अब ये प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं आपको, असेसमेंट है, उसके बाद नगर परिषद के रिकॉर्ड में से प्रॉपर्टी गायब है, उसके लिए लगातार 7 दिन से चक्कर काट रहा है, कोई जवाब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आदि अन अधिकारी नहीं होते, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हमारे पास उधार का है, एडिशनल चार्जर है, कुछ बताना चाह रहे हैं ये, कोई बात नहीं, एक बार इधर ही आ जाए जरा, प्रवीण वाल्मीकि भी यहाँ पर है, आप तो कई बार से पार्षद रह लिए प्रवीण जी, ये लोग धक्के खा रहे हैं, चेयरमैन के कमरे आगे खड़े हैं, ना चेयरमैन है ना अधिकारी है, इस नगर परिषद का भट्ठा गोल हो चुका है, यहाँ कोई संभालने वाला कोई नहीं, कोई सूद लेने वाला कोई नहीं, लोग किस तरह परेशान हो, यहाँ सिर्फ एजेंट अर्धलाल, मैं कहता हूँ जो क्राइम ब्रांच वाले 2 नंबर में बैठे हैं नहीं, इस आउटैक्स में जाकर रेड मारने चाहिए, जब ये बसा में जावे नहीं, इनको बस में पकड़ना चाहिए, भाई कितने रुपये भर के ले जा रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शाम के 5 बजे बाद काम होता है, सिर्फ एजेंटों के थ्रू, पार्षद चक्कर काटो, पब्लिक चक्कर काटो, ये पार्षद हमारे 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, ये मेरे वार्ड का है, आप देखो पार्षद है, ये देख लो, ये गिन के दिखा दो, एक पीछे ये खड़े बलवान पार्षद खड़े, ये पार्षद खड़े, ये पार्षद, ये पार्षद, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो रहा, लाइट का बुरा हाल हो रहा, सड़कों का बुरा हाल हो रहा, कोई सुध लेने वाला नहीं, हमारा मुखिया नगर परिषद चेयरमैन जिसको मैंने सबसे पहले कहा था ईमानदारी की पदवी दी थी, आज अपने मेरे ध्यान आ गई, पिछली बार कैसे बोला प्रवीण इलावादी बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, ईमानदारी की पदवी दी थी, आज ईमानदार का रिजल्ट देख लो क्या है, सबसे बुरा हाल नगर परिषद का बेड़ा गर्क कर रखा है, ना कोई सफाई डालने का, ना टिप्पर चालक के, बता दो शहर के आदमी खड़े मौजूद आदमी, कोई किसी के वार्ड में सही तरह सफाई हो रही है? हो रही है, बता दो भाइयों, नहीं हो रही, प्रिंसिपल साहब है ये देखो जी, इनकी देख लो कितने 1 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, BI उसके पास भेज देगा, ईओ उसके पास भेज देगा, वो उसके आगे क्या क्या काम, हमने देख लिया, आपने भी एक बात कही, मतलब जोड़ा भर के ले जाते हैं, तो नई बात कह दी, मतलब इतना पैसा नगर परिषद में आता है क्या? आता है, ठगी मारने वाला का है सिर्फ, आम आदमी तो परेशान हुआ फिरे जाओ, और सिर्फ जोड़े वाले नहीं, जो उनसे एजेंट है, जिनके 2 नंबर के काम है, वे तो काम फटाफट करा के ले जाते हैं, जो शरीफ आदमी है वे यहाँ चक्कर काटते रहते हैं, कदे उस चक्कर में, कदे उस ब्रांच में, कदे उस ब्रांच, चेयरमैन ने तो आप भी कैसे कोई नहीं, इनको भी करवा दो, वोट दिए लोगों ने, इनको बेरा गया चक्कर, हम सफाई कर्मचारियों के लिए बोल रहे थे, हमने कहा भाई नगर परिषद के सफाई कर्मचारी 9 बजे फरार हो जाते हैं, हमने कहा भाई हमारी ड्यूटी लगा दो, नगर परिषद चेयरमैन ने हमारे को रजिस्टर दे दिए, सफाई कर्मचारी हंस के बेरा क्या कहता है, चेयरमैन कहता है इसके एब्सेंट लगा, वो कहा हैं प्रेम सफाई दरोगा अंदर बैठा और वो हंसता है, और एब्सेंट की जगह ज्योति कामरे ने जो हमारे वार्ड नंबर 12 का है उसने एब्सेंट लगा रखी, और वायगद है उसकी तनख्वाह बन गई, देखते रह गए लोग, चेयरमैन बेचारा देखे नुका, चेयरमैन कह गए हड़ताल कर देंगे, इन कर्मचारी तो पूछो कल रखा से नुका थारा काम कौन एम सेगा, हमारा काम तो फिर जड़ा की तेरा ताली बजाने का रहेगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये है नहीं सारे के सारे पार्षद और चेयरमैन ये जड़े बन गए और कुछ भी कौन रहा, तो क्यों बन गए ये, मैं सह वार्ड का मारे का यू मुखिया यो ऐसा हो रहा तो हम किसके करवागे, जिस सेना का सेनापति कमजोर होगा तो सेना युद्ध कहां से जीतेगी, ये सैनिक बैठे हैं इनसे पूछ के देख लो, बाता में इनके पास टाइम है खूब, काम करने के लिए उनका इतना काम कर दिया, पूछो तो इनसे 10 फाइल भी करी है कि नहीं, इनकी रिकॉर्ड देखो किसी 7 नंबर वार्ड के पार्षद है भाई साहब, एक बार आगे आ जाओ, इसके वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी 1 महीने से सफाई कर्मचारी नहीं आया, आज तनख्वाह बन गई ऐसे लिख के दिया, नहीं ये तो सच्चाई है, सफाई व्यवस्था का तो बिल्कुल भट्ठा गोल है, हाउस टैक्स ब्रांच का बिल्कुल ही भट्टा, ये पब्लिक आप देख भी रहे हो रोज इससे ज्यादा आ रही है, चेयरमैन का चुनाव हुआ है नगर परिषद चुनाव हुआ है कितने दिन हो गए, लगभग 4.5 महीने के करीब, तो हुई 5 महीने में थोड़ा बहुत तो फर्क आया होगा कोई, हाँ हाँ बहुत फर्क आ गया सर, पहले से आप वार्डों में कूड़ा जाके देखो, यहाँ के हालात देखो, हट गया
कहाँ हट गया सर? मैंने अपना पर्सनल कर्मचारी रख रखा है वार्ड के लिए, जिसको मैं पे अपनी क्या है, क्या है फर्क क्या है सर? कर्मचारी नहीं पता हमारे वार्ड में है कौन से, हमें कहाँ भेजे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता सफाई का तो। अच्छा, और ये बीआई साहब हैं सर, ये तो इनका तो देवा जीवा, ये तो इनका कहना ही क्या है, बाहर दलालों के तो ये काम फटाफट भाग के करते हैं जी, हम लोग कुछ भी नहीं। बीआई से अगर कोई काम करने के लिए कह दो ना, भी ये वार्ड के लोग घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इन्होंने वोट दे के हमारे को भेज रखा है, 3,000 आदमियों के ऊपर हमारे को एक नुमाइंदा लगाया सरकार ने कि हम इनके काम करवाएंगे, और बीआई से कोई बात पार्षद है आज उठा के आपका वार्ड का कायाकल्प हुआ नहीं हुआ? बहुत बढ़िया कायाकल्प कर रखा है जी, जमा इतना बुरा हाल कर रखा है, ना तो कोई सफाई की व्यवस्था ना कोई और कम आज खड़े हैं। एक मिनट भाई, सीधी सी बात ये कालड़ा जी, आप भी आ जाओ, आपने बड़ा सफाई का जिम्मा उठा रखा था, पूरे आप भी हाउस टैक्स के चक्कर नहीं? एक बार इन्होंने मेरे से नाला साफ करवाया था जी, बताओ आप बताओ। 40 रुपए महीना ले जी बिजली बिल के, ये जो स्ट्रीट लाइट है 40 रुपए में उसे ऐड कर रखे हैं बिल में, और लाइटें चस्ती को नहीं, जाके चल के देख लो हमारे मोहल्ले में। अच्छा, इतने जने बैठे हो सारे, मैंने कोई नहीं बता सके अभी कुछ सुधार किसी ने देखा हो, कोई हांसी में कुछ सुधार हुआ हो? कोई सुधार हुआ है जी, भ्रष्टाचार का सुधार हुआ है जी, बहुत हो गया और बढ़ गया जी भ्रष्टाचार, ये सुधार हुआ है जी। तो क्या तो सारे कह रहे हैं किसी ने कोई ठीक हुआ है किसी सफाई की लाइट की कोई व्यवस्था? जो हमारे चेयरमैन एक्स जो अनिल बंसल जी, ये लोगों की आवाज उठाता है जी यहाँ पर, और प्रवीण इलावादी जी कोई आवाज नहीं उठाता ना यहाँ पर मिलता जी, बिल्कुल भी बिल्कुल कोई काम नहीं होता। जो हमारे बंसल जी है, अनिल जी, ये काम करवाते हैं जी यहाँ पर सारा, जो भी कुछ भी काम करवाना सब काम करवाते हैं जी यहाँ पर। आवाज नहीं उठते उसके घर ना जाया वो नहीं पावत, नहीं मिलते ही नहीं जी, कहाँ पर जाए घर पर, एक घंटा आता है फिर चला जाता। मैं 2 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ जी मेरी प्रॉपर्टी के लिए, कुछ समस्या नहीं हो रही। 18 ने फाइल ऑनलाइन करवाई थी, 18 ये कहते कमेटी, ये कहती 45 दिन का प्रोसेस होता है, 45 दिन के अंदर आपका काम अगर नहीं करके दे तो कमेटी उसकी जिम्मेवार होगी, आप इसकी फाइल को चेक कर लो। 18 अक्टूबर को मैंने खुद जाके इसकी ऑनलाइन करवाई, और आज मैंने यहाँ क्लर्क को बोला स्पेशली जाके। अच्छा, आपका भी कैमरे रहे? हाँ, ये 12 अक्टूबर की एक फाइल ऑब्जेक्शन लगा रखा है सर, लगातार 2 महीने हो गए। आईडिया प्रधान को मिले कि नहीं मिले, आप उनको बताओ, कोई काम नहीं हो रहा सर। बीआई साहब से मिला हूँ, प्रधान से तो नहीं मिला मैं, लेकिन बीआई साहब से मिला हूँ, यहाँ कर्मचारी से मिला हूँ, वो कहते हैं वो कर देगा, मैं अब ओके कर दूंगा, रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने वाला वो नहीं करता सर, ये हाल है सर। कुल मिला के कोई एक आदमी ऐसा है क्या जो ये कहते भाई काम ठीक हो रहा है नगर परिषद में, जितने भी खड़े हो कोई है कोई? आप पूरे शहर में 27 वार्डों में 27 सेनापति है? हाँ जी, पीछे से कह रहे हैं प्रवीण इलावादी के सेनापति हो आप, बताओ जरा। बात सुनो, आप पूरे 27 वार्डों में आज की तारीख में 27 आदमी ऐसे चुन के ये दिखा दो जो नगर परिषद के कार्य से संतुष्ट हो, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी है, ये पार्षद हैं, वार्ड नंबर बता दो आपका। वार्ड नंबर 13 से हो सर, वार्ड नंबर 13 के पार्षद हैं। 27 आदमी ऐसे गिनती के दिखा दो जो हाउस ब्रांच से कम संतुष्ट हो, मैं आज की तारीख में अपना इस्तीफा दे दूंगा। सफाई व्यवस्था से जाके देख लो, जीन चौक से ये कह रहे हैं भाई 27 वार्ड में 27 आदमी ऐसे बता दो या ऐसे कह दो जो नगर परिषद के काम से खुश है, नए चेयरमैन से खुश है, ये इस्तीफा दे देंगे। 27 आदमी आ जाओ, इनका इस्तीफा ले जाओ अगर कोई है तो। इतना बुरा हाल, मीटिंग रखो दे, मीटिंग रखने दो, मीटिंग में मैं बताऊंगा पूरे शहर की जनता को क्या आईना है इस मीटिंग के अंदर, देख लेना, ये मेरा चैलेंज है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। बापू के बंदरा की इनकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, यहाँ जब मीटिंग होगी ना, जब देखना आप, उस दिन का इंतजार करो आप, 1 हफ्ते में या 10 दिन में मीटिंग होती है। 6 महीने भी नहीं हुए नई नगर परिषद को शुरू हुए, पत्तल पाटने शुरू हो गए हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, जनता बेहाल है, फिर और किसी ने कहना? बता दे भाई जिसने बताया। हाँ जी, हमने जी चेयरमैन साहब ठीक कर रहे हैं काम, चेयरमैन साहब की सुन लो जी, हमने जी दिल खोल के तो वोट दिए जी, चेयरमैन साहब ने यानी हम दिल खोल के वोट दिए, जितने दिलवाए गए उतने दिलवाए जी, और आज शहर का ऐसा बुरा हाल कर रखा है जी, आप सारा शहर किल के मारे की भाई भाई इसमें आवा कमेटी में आवा जी, बीआई साहब तो हनी जी ऐसा काम कर दिया बीआई साहब ने, जिस रजिस्ट्री में फोटो तो कोई पछतावा है कि वोट दे दी तो दे दिए, पछतावा जी, पछतावा इससे और क्या, पछतावा ही पछतावा जी, वोट तो उल्टे आने सकते, दे दिए तो अब तो 5 साल भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा जी, मजबूरी हो रही है भुगतना, इलाके जनता का हाल बेहाल है, जनता मजबूर है, वोट दे दिए भुगतना पड़ेगा 5 साल, या फिर वो जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उससे छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो यो चेयरमैन भुगतना पड़ेगा जनता को, ना अवेलेबिलिटी है, ना काम हो रहे, ना चेयरमैन आ रहा, ना बैठी है 2 नंबर के अंदर क्राइम ब्रांच वाले अधिकारी आए बैठे यहाँ जांच करने के लिए, उनसे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है आप उनका इंटरव्यू लो, हाउस टैक्स में करो जी, पार्षद लिख के देने के लिए तैयार है।
तो चलो जांच कर रहे हैं, पूरे क्राइम ब्रांच है, सारी ब्रांच जांच करने आएंगे। जिस हिसाब से इनके घपले घोटाले हो रहे हैं, वो कब्रिस्तान के लिए भी आ रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। पहले को शमशान का घोटाला, फिर कब्रिस्तान का घोटाला, ये घोटालों की जड़ है नगर परिषद। और हाल बेहाल है, जनता भी त्रस्त है, पार्षद खुद त्रस्त हैं, चेयरमैन अवेलेबल नहीं है। और जिन्होंने वोट दिए थे वो कह रहे हैं भी गलती होगी, वोट दे दिए थे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। हाल मैंने आपको दिखा दिया, नमस्कार।